जाओ पौधे ले लो जाकर, जाओ भैया पौधे दे रहे हैं। अच्छा स्कूल में मंगाया गया था, तो आप लेके क्यों नहीं गए, लेके क्यों नहीं गए? हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज, अभी मैं निकल रहा था डीएम चौरा से, तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी वृक्षारोपण के लिए। भाई यहाँ पेड़ बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और भाई देखते हैं, चलते हैं, कौन कौन से पेड़ हैं हम भी लेंगे। देखिए दोस्तों कितने सारे पेड़, अभी तो सुबह से बहुत सारे पेड़ यहाँ ले जा चुके हैं लोग। और फिलहाल हम तो यहाँ अभी आए, तो देखा कि यार यहाँ मतलब पेड़ बैठे जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन से पेड़ बचे हैं, हम भी ले जाएंगे सेलेक्ट करके। फिलहाल ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देख ही रहे हो स्टाम कितनी ज़्यादा, मतलब तादाद में कितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पेड़ पौधे ही इस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। और देखें भाई साहब से पूछते हैं, इनसे ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं कि क्या मतलब इसका क्या लक्ष्य इनने बना के रखा, क्यों ऐसा है? ये बांट रहे हैं, चलते हैं देखते हैं दोस्तों। तो भैया से पूछते हैं, इनका नाम पूछते हैं, क्या उद्देश्य है, किस लिए ये कर रहे हैं, सारी जानकारी इनसे लेते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामजी गुप्ता है जी। कहाँ रहते हैं आप? यही हरदोई में रहते हैं, आजाद नगर में आवास है। पेशे से शिक्षक हैं जी, जी विद्यालय में, जूनियर विद्यालय। बहुत अच्छी बात है। और ये मुहिम समय संकल्प। तो भैया ये आपने कैसे सोचा कि ये संकल्प करना है? एक टैगलाइन बार बार दिमाग में बिलिंग कर रही थी, प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। जी जी। क्योंकि आज के ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग इतनी गर्मी की त्रासदी से झेल रहे हैं। जी जी। एसी तक काम नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी छोड़ दीजिए। जी जी। तो इतनी गर्मी का जब आशा निकाला गया, तो काफी अध्ययन करने के बाद पता चला कि पेड़ जितने ज्यादा ज्यादा होंगे उतनी ये गर्मी कम हो सकती है। तो 6 साल पहले 2018 में हम लोगों ने एक मुहिम शुरू करी संकल्प 1000 के नाम से, जिसमें प्रयास ये था कि 1 वर्ष में 1000 पौधे रोपित किए जाएंगे। अच्छा। और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं, 1000 पौधे अगर ये पूरे चल जाए तब तो कितनी अच्छी बात है अपने हरदोई के लिए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने लोगों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और लोगों की भावनाओं से जोड़ने के लिए जी जी लोगों की पुण्यतिथि पर भी ये पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। जी जी। हम लोग पौधा लगाने पर नहीं, पौधे को संरक्षित करने पर भी विश्वास रखते हैं। जी जी। और पौधा लगाने के बाद उसको संरक्षित भी किया, कई जगह बंद जगहों पर हम लोगों ने पौधे लगाए। जी जी। 2 साल पहले हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट वृक्ष भंडारे का, जो आप देख रहे हैं, ये चालू किया। और जनपद हरदोई के लगभग सभी विकास खंडों में ये वृक्ष भंडारा आयोजित हुआ। इससे पूर्व 18 वृक्ष भंडारे आयोजित हो चुके हैं। ये जनपद का 19वां वृक्ष भंडारा था, जो यहाँ जनपद हरदोई में डीएम चौराहे पे आयोजित हो रहा है। एक वृक्ष भंडारे में हम लोग लगभग 800 से 900 पौधे निःशुल्क वितरित करते हैं। अच्छा अच्छा। पौधा उन्हीं लोगों को देते हैं जिनसे हम लोग संकल्प पत्र बनवाते हैं, उनसे संकल्प लेते हैं, दिलवाते हैं कि इस पौधे की सुरक्षा भी वो करेंगे, और उसका मोबाइल नंबर नोट करते हैं, समय समय पर उससे जानकारी भी लेते रहते हैं। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपको पता है इससे अच्छा मुझे तो नहीं लगता है कि इस जीवन में मतलब इससे अच्छा कोई काम हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे ये वृक्ष आप बांट रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है ना सब, तो निःशुल्क भंडारा, ये बताइए अगर किसी के पास जमीन ना हो मतलब, तो उसको कैसे कैसे लगा सकते हैं? क्या करते हैं हम लोग, हालांकि हम लोग गमले वाले पौधे यहाँ ना वितरित करते हैं ना लगाते हैं, हम लोग हमेशा बड़े वृक्ष जो दरख्त होते हैं जिनसे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जी जी, वही पौधे हम लोग रोपित भी करते हैं और वितरित भी करते हैं। जी। हरदोई जनपद में ज़्यादातर हम लोगों ने जो वृक्ष भंडारे करे वो ग्रामीण परिवेश में करे, ग्रामीण परिवेश में लोग इन पौधों को ले जाते हैं और रोपित भी करते हैं, उनके पास जमीन होती है। अच्छा अच्छा। बात आप जो कर रहे थे शहर में लोगों के पास जमीन नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़े छोटे पौधे भी रखते हैं। जी जी। और जिन लोगों के अपने गमले में पौधे लगाने हैं उसमें हम लोग कुछ औषधि पौधे भी रखते हैं, तुलसी के रखते हैं, सतावर रखते हैं, जी जी। कुछ फूल के भी पौधे रखते हैं, वरना हम लोग प्रयास रखते हैं कि छायादार और फलदार पौधे। नहीं, वो तो मैंने देखा कि सारे पौधे जो हैं ज़्यादातर तो ऑक्सीजन वाले ही हैं और काफ़ी बढ़िया अच्छे तरीके से हैं, तो ये तो काम भैया आपने वाकई में बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से।
तो धन्यवाद ये सब आपका मतलब करना के सहयोग से चल रहा है। जी जी, में करीब 150 से ऊपर लोग हैं। अच्छा अच्छा, समय पर समय पर आर्थिक और तन से भी सहयोग करते हैं। जी जी, तो इस प्रकार का आयोजन संभव हो पाता है। अच्छा भैया, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना गजब का काम कर रहा है, मतलब मेरे हिसाब से इससे बड़ा इस टाइम कोई काम नहीं है, क्योंकि यार पेड़ ही आपका जीवन बचा सकते हैं। और पेड़ ही आप देख रहे हो कि जगह जगह पे मतलब रोड बन रहे हैं। लखनऊ रोड पे आपने देखा होगा कि कितने रोड बने, सारे पेड़ काट दिए गए, कितने साल पुराने पेड़ थे। अब वैसा पेड़ मुझको नहीं लगता है कि वैसे हो पाएगा, लेकिन अगर ये भैया जिस हिसाब से जैसा संकल्प लिया है, अगर उस वैसे अगर सब लोग करते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से ही प्रकृति बहुत अच्छी बन जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं भी एक दो पेड़ लेके जरूर जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी ज़मीन है और पौधा ले जाऊँगा, घर में लगाऊँगा, अपने प्लाट में भी लगाऊँगा। तो चलते हैं, देखते हैं, एक पौधा ले लेते हैं। जाओ पौधे ले लो, जाकर जाओ जाओ भैया, पौधे दे रहे हैं, पौधे दे रहे हैं भैया, जाओ ले लो जाकर जाओ। देखो कौन कौन से पौधे लोगे, यही भैया यही बांट रहे हैं। शीशम का ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है, ये ऑक्सीजन के लिए भी अच्छा होता है। गुलाब का ऐसी पत्ती ढूंढो। अच्छा, स्कूल में मंगाया गया था, तो आप लेके क्यों नहीं गई, लेके क्यों नहीं गई? अच्छा अच्छा, अरे ये किस चीज का है? जामुन है, ये अनार है क्या? अमरूद है, अनार देख लीजिए, एक अनार। दो पेड़ ले लिए हैं, शीशम और सहजन, ये ऑक्सीजन के पेड़ है और मैं अपने प्लाट पे लगाऊंगा और काफी इससे ऑक्सीजन मिलेगी, तो लेके चलते हैं। Born from the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see? This is where you want to. दोस्तों तो मैं घर पे आ गया हूँ और जा रहा हूँ पेड़ लगाने। पेड़ हालांकि हैं मेरे बहुत, और लेके इसी में लगाए हैं, इसमें लगा दे रहा हूँ, सही रहेगा। देखिए कितने पेड़ हैं, ऊपर भी बहुत सारे पेड़ हैं, एक और पेड़ लगाने जा रहे हैं, बहुत सारे लगा देंगे। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। जीवन बचाओ, जीवन जीवन बचाओ। तो गाइस पेड़ पौधे तो लगा दिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब यार सही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार पेड़ पौधे। लेकिन वही है, जितने लोग लेके जा रहे हैं वो सभी लोग उस पेड़ पौधे के लिए जो संकल्प लिया है वो पूरा करें, बहुत अच्छी बात है इसका, और इससे ऑक्सीजन भी बहुत मिलेगी। तो फिलहाल अब तो घर में देखिए काम कितना चल रहा, मैंने भी पेंट किया, को भी सारे मैंने ही पेंट किए हैं, कल भी मैंने ही पेंट किया था ये इसका, तो और पेंट करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
Thank you.